डायबिटीज के ऊपर मैंने कुछ स्पेशल लाइन लिखी है। उल्टा सीधा खाकर बंधु, बिगड़ गया नक्शा फिगर का, मीठा बिल्कुल बंद है अपना, रोग हो गया शुगर का। डायबिटीज में आपका मीठे के साथ साथ क्या क्या खाना बंद है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम डायबिटीज के ऊपर एक सीरीज बनाने वाले हैं, माने डायबिटीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, व्हाट इज डायबिटीज, ये क्यों होता है, डायबिटीज में क्या खाएं, डायबिटीज में क्या ना खाएं, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें जानेंगे। पर हम आज इस वीडियो में सबसे पहले थोड़ा अपने शरीर के बारे में जान लें, जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। जिस प्रकार हमारे शरीर में दो आंखें होती हैं, एक हर्ट होता है, एक लीवर होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड एक अंग होता है यहां पर, जिसे पैंक्रियास कहते हैं, हिंदी में उसे अग्नाशय भी कहते हैं। ये एक केमिकल यानी एक तत्व बनाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जिस प्रकार पोस्टमैन यानी डाकिया लेटर्स को उठाकर घर घर पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार ये इंसुलिन हमारे ब्लड में से शुगर यानी ग्लूकोज को उठाकर हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। यानी जो इंसुलिन का काम है वो एक पोस्टमैन की तरह है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा। सिर्फ तीन बातें समझनी है। पहला, एक अंग होता है पैंक्रियास, वो एक केमिकल बनाता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल के अंदर तक पहुंचाना। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, डायबिटीज के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम हर एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, वहां हम हर एक बीमारी के सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न ये बनता है कि डायबिटीज रोग होता क्या है, व्हाट इज डायबिटीज। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल वगैरह की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज यानी शुगर की जरूरत होती है। पर जब कोई व्यक्ति उल्टा सीधा खान पान करता है और शारीरिक मेहनत या तो बहुत कम करता है या बिल्कुल नहीं करता है, तो उसके शरीर में जो इंसुलिन है वो इतना सुस्त हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है, इतना इनएक्टिव सा हो जाता है कि वो इंसुलिन उसके ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और रिपोर्ट करवाने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज शुगर की बीमारी हो गई है। अब जो डायबिटीज की बीमारी है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कुछ लोगों को टाइप 1 तरह की डायबिटीज होती है और अधिकतर लोगों को टाइप 2 तरह की डायबिटीज होती है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में जानेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।